केवल बच्चे पैदा करो अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। जितने भी मुसलमान हैं सब पहले सनातनी हिंदू थे, किसी से छुपा है? किसी से नहीं छुपा है। 3 अप्रैल 2022, दिल्ली दा बुराड़ी इलाका, मुस्लिम भाईचारे खिलाफ भड़काऊ भाषण, पत्रकारां नाल हत्थों पाई, दिल्ली पुलिस दी नक हेठां कानून दा उलंघन। ये तस्वीरां दिल्ली दे बुराड़ी इलाके दियां ने जिथे 3 अप्रैल नूं हिंदू महापंचायत करवाई गई। पुलिस दी इजाजत तो बगैर यह सभा हुई। हिंदू महापंचायत विच कई सूबियां तो वक्-वक् हिंदू संगठनां नाल जुड़े कारकुन पहुंचे सन। इस महापंचायत विच महंत यती नर सिंघानंद भी आए सन, जिन्हां नूं जनवरी 2022 विच मुस्लिम भाईचारे खिलाफ भड़काऊ भाषण देने दे इल्जाम विच हरिद्वार च गिरफ्तार किया गया सी। बुराड़ी दी हिंदू महापंचायत विच इस बार यती नर सिंघानंद हिंदुआं नूं ज्यादा बच्चे पैदा करन अते हथियार चुकन दी अपील कर रहे सन। मर्द बनो, मर्द बनो, और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। बुराड़ी हिंदू महापंचायत का आयोजन सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था ने किया सी। इस तो पहला इसे संस्था ने 8 अगस्त 2021 नूं दिल्ली दे जंतर मंतर ते प्रोग्राम का आयोजन किया सी। जंतर मंतर दे प्रोग्राम विच मुस्लिम विरोधी भाषण दिते गए सन, जिस तो बाद प्रबंधक प्रीत सिंह अते हिंदू रक्षा दल दे प्रधान पिंकी चौधरी उर्फ भुपेंद्र तोमर नूं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया सी। 7 महीने बाद बुराड़ी विच हिंदू महापंचायत दे ओही आगू एक बार फिर मंच तो भड़काऊ भाषण देंदे हुए दिख रहे ने। पुलिस ने इस प्रोग्राम की जानकारी दे दी गई सी, पर इसकी इजाजत पुलिस ने नहीं दी। इसके बावजूद तय समय से बुराड़ी विच हिंदू महापंचायत की सभा हुई। सबको सूचना देकर हम आए हैं। एनओसी भी नहीं दी उन्होंने, कोई उनको ऑब्जेक्शन भी नहीं है, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं जताया, परमिशन भी कोई दी नहीं, ऑब्जेक्शन भी कोई नहीं जताया। हमारा भारत है, हमारी भूमि है, परमिशन हमने, हम लोगों ने जो हमारी विधिवत परमिशन थी वो हमने दी। हम कहीं सड़क पे नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है, हम ठीक है। बुराड़ी दी इस हिंदू महापंचायत च मंच तो आबादी नूं काबू करन यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्गियां मंगा चुकियां गईयां, पर निशाने उत्ते मुस्लिम भाईचारा ही सी। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी विच इस सब कुछ चलता रहा। धोखा देके, झूठ से, फरेब से, बहका के, या कोई लालच देके, या एक कट्टा चावल देके, आप उसकी गरीबी के कारण उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें शुरू में बताया गया था कि हम दो, हमारे दो, तो हमारे तो आज भी दो ही हैं और पहले भी दो ही थे, लेकिन आज इनके 100 हो चुके हैं और ये आने वाले समय में हिंदू धर्म के लिए विनाशकारी हो सकता है। हिंदू महापंचायत दौरान उस वेले तनाव थोड़ी देर लिए पैदा हो गया जदों हिंदू महापंचायत के वर्करा ने बीबीसी पत्रकार दे सामने कुछ पत्रकारां दे नाल हत्थों पाई कीती। मौके उत्ते वड्डी गिणती विच पुलिस फोर्स भी मौजूद सी। पुलिस जबरदस्ती कुछ पत्रकारां नूं अपने नाल थाने लै गई। अफरा तफरी विचाले ए दृश्य कैमरे विच रिकॉर्ड नहीं हो सके। महापंचायत दी इजाजत अते पत्रकारां दे नाल बदसलूकी नूं लै के बीबीसी ने मुखर्जी नगर दे थाना प्रभारी अते डीसीपी नॉर्थ वैसट नाल गल करन दी कोशिश कीती, पर उन्हां वल्लों कोई जवाब ना मिलिया। दिल्ली पुलिस की डीसीपी उषा रंगनानी ने ट्वीट करके दसिया कि सुरक्षा के मद्देनजर पत्रकारों को पुलिस अपने नाल ले गई।
ਇਸ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।